वड़ा, वड़ा पाव और तेल आया है। पकड़ लिया ना पुलिस ने, यहीं चलान हो जाएगा उनका। हे गाइस, दिस इज सृष्टि, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू आर सेफ। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में है डबल धमाल। तो डबल धमाल कैसे, कि मैं स्पिन द व्हील करूंगी, उसमें जो लेटर्स होंगे मुझे उससे खाना होगा और मुझे 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा, मुझे चीज़ें सोचनी होगी और फिर हेड एंड टेल होगा। तो मैं अब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही, आप देखते रहना कि मैं क्या करने वाली, क्योंकि अगर मैं बताने बैठी तो बस यहीं कार्यक्रम हो जाएगा। कुछ समझ नहीं आया लेकिन अच्छा लगा। तो अभी सबसे पहले हम स्पिन द व्हील करते हैं। और हाँ, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है देन प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो हम फटाफट देखते हैं कि हम मॉर्निंग में क्या खाने वाले हैं। तो लेट्स स्पिन इट। चलो, तो मैं क्या है, पी तो पी से क्या हो सकता है, पराठा। 2000 years later. पानी, पाइनएप्पल जूस, पिज्ज़ा। तो पराठा, पिज्ज़ा, पाइनएप्पल जूस, ये तीन चीज़ें आ रही हैं। 1 मिनट हो गया। पॉपकॉर्न, पंडोरा बॉक्स। कोई सेंस है इस बात का? हो गया 1 मिनट। तब हम तो मैंने ये सारी चीज़ें सोची हैं, पराठा, पिज्ज़ा, पॉपकॉर्न, पाइनएप्पल जूस, पानी। तो अब हम हेड एंड टेल करेंगे और कैमरामैन बताएगा कि मेरे पास क्या क्या चॉइसेस है इसमें से। तो गाइज, मेरे ऑप्शंस में से कैमरामैन ने चूज़ करा है बड़ा दिलदार तरीके से पिज़्ज़ा और पराठा। तो मैं हेड पे रख रही हूँ पिज़्ज़ा और टेल पे रख रही हूँ पराठा। तो चलो टॉस करते हैं। क्या है, हेड, हेड पिज़्ज़ा खाने चलते हैं। तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में हमारा पिज़्ज़ा। तो गाइज, हम आ गए हैं हम नेरुलाज और मैंने अपना पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। और मेरी यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज़ भी हैं, मेरी नेरुलाज के साथ बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज़ भी है। क्योंकि ना बचपन में क्या करते थे, ये हमारी जो रिपोर्ट कार्ड आती थी, अगर आपके 90% से ऊपर मार्क्स आते थे तो ये आपको फ्री आइसक्रीम दिया करते थे। तो मैं अपनी फ्री आइसक्रीम लेने आया करती थी हमेशा रिजल्ट के बाद। और अगर आपने भी खाई है फ्री आइसक्रीम तो नीचे कमेंट करके बताना, मैं नहीं बताऊँगा। तो जैसे पिज़्ज़ा आता है मैं फिर आपको दिखाती हूँ। हमारा पिज़्ज़ा आ चुका है और अब फटाफट खाते हैं यार, बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है ये। ये गलत है, ये ठीक नहीं है। हमने अपना ब्रेकफास्ट तो खा लिया है, तो ब्रेकफास्ट के बाद ना यार लंच का मैं सोच रही हूँ अभी देख लेती हूँ, क्योंकि बहुत भागा दौड़ी हो जाएगी और मेरे पास आइडिया भी होगा तो मैं आराम से सोच सकती हूँ कोई अच्छी जगह लंच करने के लिए। पहले देखते हैं कि क्या लेटर आता है। तो हमारा मॉर्निंग में आया था पी, तो अब देखते हैं आप क्या आता है। भाई साहब यार, ये एक्स वाई जेड डब्ल्यू ना आए प्लीज़, उसमें मुझे कुछ पता भी नहीं क्या आया। जी जी, गोलगप्पे, टाइम स्टार्ट हो गया ना, गोलगप्पे, घेवर, घेवर इंग्लिश में तो जी से ही लिखते हैं, घिया, और क्या होगा जी से, आप बताओ कमेंट करके। सारे ऐसे भैया लेटर क्यों आ रहे हैं मेरे पास, जैसे कुछ प्रॉपर खाने की चीज़ नहीं मिल रही। तो गाइस, जी से गार्लिक भी तो होता है, तो जी से हम खा सकते हैं गार्लिक ब्रेड, गार्लिक नूडल्स, और मैं कोई इंडियन चीज़ भी सोच रही थी, दिमाग में घिया ही आया था, उससे बुरा और क्या हो सकता है। जी से गोभी भी होता है, गोभी 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 हो गया ना। तो 5-6 चीज़ें मैंने डिसाइड कर लिया, अब ये मुझे बताएगा कि क्या हम 2 चीज़ों से हेड या टेल कर सकते हैं। तो गाइस, हमारे पास 2 चॉइसेस है, गार्लिक नूडल्स और गोभी की सब्ज़ी। तो टाइम अप हो गया था, तो मैंने जब गोभी बोला था तो इसने खुद से ही मुझे चॉइस दे दी कि गोभी की सब्ज़ी। तो इस बार ही मैं गोभी की सब्ज़ी रखूँगी हेड पे और गार्लिक नूडल्स रखूँगी टेल पे, और आई होप टेल आए क्योंकि मेरा गार्लिक नूडल्स खाने का मन कर रहा है लंच में। तो अभी देख लेते हैं, फिर लंच टाइम पे चलेंगे। सो लेट्स होप फॉर इट। कि भाई मज़ा आया। तो गाइस, सिक्का उछल उछल के नीचे गिरा और मेरी किस्मत चमक गई, मुझे टेल मिला। तो हम लंच में खाएंगे गार्लिक नूडल्स।
गाइस तो हम अपना लंच करने आ गए हैं, तो मैंने अपने गार्लिक नूडल्स ऑर्डर कर दिए हैं। और देखो मैं चैलेंज से कितनी ज़्यादा ट्रू हूँ, मैं रेस्टोरेंट भी जी से आई हूँ, गुरु प्रसाद उडुपी, और ये मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट है। बीच में ना यार ये लॉकडाउन में बंद हो गया था और मेरी ना धड़कने ना ऐसे हो गई थी भाई, मेरी फेवरेट जगह बंद हो गई, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। बट अब ये फाइनली ओपन हो गया तो मैंने सोचा यहीं आके खाते हैं। मैं मेन्यू थोड़ा रीड कर रही थी तो मेन्यू में मुझे देखी अपनी फेवरेट डेजर्ट जो कि जी से आती है, पता नहीं वो मेरे को क्यों स्ट्राइक नहीं करी, देखो कौन सी है गुलाब जामुन। तो मैंने रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ मैं गुलाब जामुन खा लूँ, मैं प्लीज़ गुलाब जामुन खा लूँ, क्योंकि जी तो आया या तो जी से तो खा ही सकते हैं, बट इसने साफ मना कर दिया कि नहीं खाना, जो आया है बस वही खाना पड़ेगा। तो आप बताओ क्या ये चीटिंग है अगर मैं खा लूँगी तो। फाइनली मेरे नूडल्स आ चुके हैं और यार इससे पहले डोसा आया था और कैमरामैन अपना पूरा डोसा निपटा चुका और मेरे मुंह में इतना पानी आ रहा था डोसा देखे, क्योंकि हाँ का डोसा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो एनीवेज हम अपने नूडल्स खाते हैं। ओपे पनीर गिरा दिया मैंने, 10 रुपये गिरा दिए। तो चलो अपना लंच करते हैं, चीयर्स। गाइस तो हमारा लंच तो एकदम सॉर्टेड हो गया, तो अब आपसे मिलते हैं बाद में। एक गाड़ी में 4 लोग। लॉल पकड़ लिया ना पुलिस ने, यहीं चलान हो जाएगा इनका। गाइस तो हम इवनिंग का खाने आ गए हैं और दिन में हमारा रुका था जी पे और मैंने खाई थी गार्लिक नूडल्स, तो अब इवनिंग में देखते हैं इवनिंग में क्या आता है। सो लेट्स स्पिन इट। कुछ बढ़िया ई आया है हमारा, तो ई से हम क्या क्या खा सकते हैं। एग के आइटम्स खा सकते हैं, कोई भी एग रोल या कुछ भी, इलायची चाय। एग के तो बहुत सारे आइटम हो गए। ठीक है गाइज आप बताओ ई से और क्या फूड आइटम होते हैं। तो गाइज हमारे पास ई से 2 चीज़ें ही आई हैं, एग रोल और इलायची चाय, तो हमारे पास कोई ऑप्शन तो है ही नहीं, तो उन दोनों में हमें हेड टेल रखना पड़ेगा। तो मैं हेड पे रख रही हूँ अपनी इलायची चाय और टेल पे रख रही हूँ मैं एग रोल। आई होप हेड आए, यार किस्मत चमका दे कॉइन मेरी, हेड आ जाइयो। चाय पियेंगे तो चलते हैं इलायची चाय पीने। अंकल इलायची चाय हो जाएगी। तो गाइज हेयर इज़ आई इलायची चाय और शाम को मेरा चाय पीने का इतना ज़्यादा मन था तो ई आया तो मैंने अपना दिमाग चलाया कि यार इलायची चाय ले लेते हैं, किसी बहाने से मुझे चाय तो पीनी थी, तो हेयर इज़ आई इलायची चाय। हाँ तो गाइज चाय पी के तो आत्मा तृप्त हो गई, थैंक गॉड मैंने अपना दिमाग चला के ई से इलायची चाय ले लिया, क्योंकि यार चाय का काम सिर्फ चाय करती है। तो गाइज़ मैं सोच रही हूँ कि ना अभी डिनर का भी देख लेते हैं, क्योंकि ना फिर बहुत ज़्यादा घूमना पड़ जाता है, तो अभी लेटर डिसाइड कर लेते हैं, फिर सीधा डिनर टाइम पे आपसे खाने पे मिलेंगे। तो ई पे रुका था हमारा, तो नेक्स्ट लेटर देख लेते हैं। कुछ बढ़िया यार सुबह से इतने ना वी से वड़ा पाव और विंडलू जो हमें कहीं मिल लेने वाला, बट मुझे ये पता है एक डिश होती है वी से वर्मेसेली भी हो जाएगा, 4 चीज़ें हो गई। वी से कोई ड्रिंक नहीं आती, वी से वनीला शेक, वनीला आइसक्रीम हो गई ना, 5-6 चीज़ें। गाइस ये कैमरामैन बहुत ज़्यादा दिलदार हो गया है, इसने बोला कि तू एक चीज़ अपने हिसाब से फिक्स कर ले क्योंकि तूने बहुत सारी चीज़ें वी से बोल दी है। तो यार मैं कुछ पीने का मन तो करेगा ही रात में, तो मैं वनीला शेक तो अपना फिक्स कर ही रही हूँ, साथ में कोई खाने की चीज़ बता दो। तो इसने मुझे हेड और टेल में ऑप्शन दिया है, एक तो वड़ा पाव और एक तो वड़ा, तो मैं हेड पे रखती हूँ अपना वड़ा पाव और टेल पे रखती हूँ वड़ा सांभर। तो लेट्स सी, टेल आया है, सॉरी हेड आया है। गाइस हेड आया है तो हम हेड पे मैंने रखा था वड़ा पाव, तो हम डिनर में खाएंगे वड़ा पाव एंड वनीला शेक। आज न
इतना डिनर करते करते बहुत ज्यादा लेट हो गया, 10:15 हो गए, इतना ज्यादा टाइम हो गया भाई साहब। बट मैं अपना ना डिनर का टेक अवे ले आई हूँ, तो मैं अपना वनीला शेक और वड़ा पाव लाई हूँ चाय पॉइंट से, तो ओपन कर लेते हैं। तो आप भी से मुझे कोई खाना सजेस्ट करो भाई, पैकिंग तो काफी बढ़िया करी है। वड़ा पाव के लिए इतना ज्यादा पहले मैं भटकी ना यार, दिल्ली में ना इतनी आसानी से वड़ा पाव मिलता नहीं, जैसे मुंबई में हर नुक्कड़ में वड़ा पाव में इजीली मिल जाता है। सो दिस इज आवर वड़ा पाव यार, काफी ज्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। तो इसमें वो हरी वाली चटनी डाली और लाल वाली चटनी डाली, तो चलो खाते हैं अपना डिनर। गरम गरम वड़ा पाव यार, सीरियसली बहुत अच्छा है चाय पॉइंट का। आहा, वनीला शेक पीकर संतुष्टि मिल गई। सीरियसली दोनों का कॉम्बिनेशन सीरियसली साथ में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, वड़ा पाव और वनीला शेक का। तो भाई डिनर तो एकदम सॉर्टेड हो गया, और पूरा चैलेंज इतना ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल था और इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग था ना, तो मुझे तो बड़ा मजा आया है करके। तो आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे फूडी एंड बाय बाय।